हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजु स्टडी एक्स। काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दे लिया है, फेज फोर भी अपनी एंडिंग की ओर है। हम बोल सकते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, तो सभी के मन में एक क्वेश्चन डाउट बना हुआ है कि कट ऑफ सर कितनी जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स भी बता रहे हैं अपनी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो हमारी कट ऑफ है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ कि मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया रेलवे का, तो अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, हम पिछले 45 दिनों से एनालिसिस करा रहे हैं अर्पित सर के द्वारा, तो जितने बच्चों ने अपना अटेम्प्ट रेट बताया है वो डिपेंड करेगा। तीसरा, हमारा मेन जो है, हमने काफ़ी रेलवे ऑफिसर से बात करी और देन तीनों लोगों से बात करने के बाद एक सटीक कट ऑफ हम लोग आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। लेट्स स्टार्ट। कट ऑफ का खेल अब ऐसा है कि अभी अपना बाकी क्या है, नॉर्मलाइजेशन। वो क्या होता है, बस हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में भी देखते होंगे, TLS मेथड जो होता है, डकवर्थ लुइस मेथड, उसी का सेम भाई ये भी है। ये अप्लाई हो तो जाएगा, मार्क्स हमारे आ जाएंगे, बट हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो मेन चीज़ आपकी ये है कि अभी तक आपके मार्क्स आना बाकी, यानी कि आप अभी दौड़ में बने हुए हैं। ठीक, अब बात करता हूँ कट ऑफ कितनी सर जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ पिछली यानी कि 2015 का NTPC जो हुआ था उससे कम रहेगी। हमारा उसकी अगर हम बात करते हैं, ऐसा क्यों होगा, ठीक है, कम क्यों जाएगी, उसके तीन है, तीन रीजन। उसके क्या रीजन है? पहला रीजन ये है कि NTPC 2015 जो हुआ था उसमें हमारे जो एप्लीकेशन थे यानी कि जो फॉर्म फिल हुए थे वो 90 लाख के आसपास हुए थे, और अगर हम अब देखते हैं 2019 का NTPC तो अब इसमें फॉर्म फिल आपके हुए हैं 1,26,00,000। अब आप बोलेंगे सर ये तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो रहा है यानी कट ऑफ हाई जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ बच्चे थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है, तो उसका जो गैप आया है, अप हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप वैकेंसीज में देखेंगे कि वैकेंसीज जो आपकी जो है वो 18,000 थी 2015 में, देन अब आपकी वैकेंसीज हैं 35,000 प्लस, यानी कि अप्रोक्स दुगनी वैकेंसीज हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम जाएगी। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ सर जाएगी कितनी। तो कट ऑफ डिपेंड करती है आपके जोन वाइज, है ना। जितने जितने आपके पास 21 जोन है, तो किस जोन में कितने फॉर्म फिल हुए हैं और कितने बच्चों ने CVET फर्स्ट अपीयर किया है, ठीक है, तो वो कट ऑफ वेरी करेगी। बट मैं आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ दूंगा, वो कहीं ना कहीं एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, बट आपके लिए, आपको सहूलियत के लिए, आपको वो कट ऑफ देख के बहुत आराम मिलेगा। बट उससे पहले आपके दिल को जो धक-धक हो रहा है ना, ये कट ऑफ सर हाई जा रही है, कोई बोल रहा है कि मैं 95 अटेम्प्ट करके आया हूँ, सर मैं 90 अटेम्प्ट करके आया हूँ, है ना। बट अब मैं बताता हूँ रियलिटी क्या होगी, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्रैक किया हुआ रेलवे का। अब मैं बताऊँ आपको ग्रुप डी में क्या हुआ था। प्रीवियस जो आपके एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ग्रुप डी में क्या हुआ था कि जिस बच्चे के रॉ मार्क्स आ रहे थे 56, 57, 58, तो जब उसने अपना स्कोर कार्ड देखा बाद में, तो उसके मार्क्स बढ़ के हो गए थे 65, 70, 69, बट जिसके मार्क्स रॉ मार्क्स 70 थे उसके घट के हो गए थे 54, 56। यानी कि अगर आप 55 से 60 स्कोर में बीच में घूम रहे हैं, तो आप कंफर्म है कि आप अभी दौड़ में बाकी हैं। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो आगे अगला टाइम बताएगा, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करता हूँ, तो मैंने 6 जोन ऐसे देखे हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी अप रह सकती है, और 3 जोन ऐसे देखे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। वो 3 जोन कौन कौन से हैं? आपका पहला जोन तो है सिलगुड़ी, ठीक है, आपका दूसरा जोन जो है वो है कोलकाता, और आपका तीसरा जो जोन है ना, वो आपका जोन तीसरा जोन है मालंदा, ठीक है। और अगर आप अप वाले की बात करते हैं जोन्स की, तो उसमें चंडीगढ़ है आपका, इलाहाबाद जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज, और आपका भोपाल है, और आपका अहमदाबाद है ना। आपकी ये जोन है, यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ जो है आपकी, और आप स्कोर में बात करते हैं कट ऑफ की, तो 72 है एवरेज, तो इस बार कट ऑफ 72 से कम जाएगी। कितनी कम जाएगी? क्योंकि इस बार बच्चों ने अटेम्प्ट रेट क्या किया, अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं और आपने अटेम्प्ट 85 किया, अब ये कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि जो बंदा आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि आपको एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है, कि ये बंदा जो कह रहा है वो ठीक है गलत है। सपोज आप ही हैं और आप एक बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपने अटेम्प्ट किया 85, ठीक है, और आपने 85 अटेम्प्ट किए विद 90% एक्यूरेसी के साथ, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आपके 8.5 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, आपका स्कोर पॉइंट्स के घटके हो जाएगा 76 पॉइंट में कुछ।
देन अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी भाई, ठीक है। तो ये आपका अब 76 पॉइंट कुछ से स्कोर फिर और घटेगा तो पहुंच जाएगा 72 पॉइंट कुछ के पास, ठीक है। यानी कि अगर आपका 85 का आप करके आ रहे हैं और आपकी 90% एक्यूरेसी है, फिर भी आपका स्कोर पहुंच जाता है 72-73 के आसपास। तो आप यहां से सोच सकते हैं कि कट ऑफ आपकी जहां भी टफ टफ जो जोन है वहां पर भी 70 से ऊपर नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि वैकेंसी दुगनी है। ओके, अब कितनी कट ऑफ जाएगी मैं बात करता हूं, फेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि फोर्थ तक ये वीडियो बन रही है, ठीक है। फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट रेट काफी हाई थे, बच्चों के जो एवरेज अटेम्प्ट रेट थे वो 73 से लेके 78 तक थे, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट। और मैं बात करूं फेज टू की, तो फेज टू में बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट जो थे वो कहीं ना कहीं 68 से लेके 75 के बीच में थे। अब मैं फेज थर्ड की बात करूं, वहां पर थोड़ा सा और कम हुआ, जैसे जैसे फेज बढ़ते जाते हैं, आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे तो रेलवे की जीएस थोड़ी सी टफ होती जाती है। टफ का मतलब वो क्वेश्चन पूछते हैं उबड़ घाबड़ टाइप, ठीक है। तो फेज थर्ड की अगर बात करूं तो बच्चों का अटेम्प्ट रेट वो था वो 65 से लेके 71-72 तक था। अब भाई फेज फोर आ गया, फेज फोर में तो और ही बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ पर जीएस के साथ साथ थोड़ी मैथ भी अप हुई है, थोड़ा रीजनिंग का भी थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का अटेम्प्ट रेट जो पहुंच गया है वो 65 से लेके 70 तक पहुंच चुका है। अब मैं बात करता हूं इन फेजेस को लेके कि कट ऑफ कितनी आने वाली है, यूआर, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूआर की, और एक आपका और बच्चा है ईडब्ल्यूएस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसके लिए बहुत बेनिफिशियल एग्जाम ये होने वाला है। आप जिसने भी ईडब्ल्यूएस फिल किया उसकी जब तो पक्की है, कितना स्कोर रहेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो में। अब मैं बात करता हूं यूआर कैंडिडेट की, ठीक है। तो यूआर में अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो अकॉर्डिंग टू मी प्लस एनालिसिस और प्लस जो लोग जॉब कर रहे हैं रेलवे में, इन तीनों का पूरा डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो यूआर की जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो कट ऑफ जाने वाली है आपकी 65 से लेके 68 के बीच में, ठीक है। और हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 61 से लेके 73 के बीच में, ओके। क्योंकि लाइक जो 2-3 नंबर में जो बीच में गैप कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जोन का 21 जोन है और सारे जोन में अलग अलग कट ऑफ जाएगी, किसी में थोड़ी अप रहेगी किसी में डाउन रहेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में गैप दे रहा हूँ, है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपके एससी की, तो एससी की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 56 से लेके 60 के बीच में, और एसटी की बात करूं तो एसटी कट ऑफ जाने वाली है 51 से लेके 54 के बीच में, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ है, थोड़ा सा गैप इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जोन 21 जोन है, सारे जोन की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है, ओके। अब आपको डर लग रहा होगा 68 से कट ऑफ काफी हाई हो गई, मैंने इसलिए रखा होगा कि ये आपके लिए सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि अभी नंबर बढ़ेंगे भी और देन उसके बाद देखा जाएगा कि किसमें कट ऑफ ये, बट 68 में इसलिए बोल रहा हूँ जो कट ऑफ अलाहाबाद है ना, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है, तो उनमें कट ऑफ ये 68 जाएगी, बट 68 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, आप लोग लिख के ले लीजिए, ठीक है। ये आपका मैं मतलब आप लोग थोड़ा फेथ करिए, क्योंकि ये सारी कट ऑफ बहुत हमने चर्चा और थोड़ा सब कुछ देख के बात करी है आपसे। अब मैं बात करता हूँ कि अब आपको आगे करना क्या है, सेफ अटेम्प्ट, अभी रॉ मार्क्स हमारे पास, हमने अटेम्प्ट किया, अपने नंबर घटाए बढ़ाए, एक सेंस हमारे पास कि भाई मैं करके इतना आया हूँ, इतने कुछ मेरे गलत हैं, इतने बच रहे हैं। अगर आपका स्कोर जैसे ग्रुप डी में हुआ था कि 55 वाले बच्चे के मार्क्स बढ़ के 70 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी सब कुछ गेम बाकी है, अपने हाथ में अभी चाबी है, ओके। आपको रहना है पॉजिटिव और प्राइव रखना है कंटिन्यू। अगर आपका स्कोर 55 से लेके 60 के बीच में लाइक कर रहा है तो आपको पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर आप 35,000-40,000 की जॉब लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में परेशान है, ठीक है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है जॉब छोड़ने के अलावा। कभी प्राइवेट में भी जाएंगे तो आपकी जॉब वहां पर लगेगी तो 10-15 हजार की, यानी कि आपको यहाँ जिंदा रहना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब आपका आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी का, क्योंकि एनटीपीसी हो गया, ऑब्वियसली बात है आपने ग्रुप डी में फॉर्म फिल किया होगा, तो ग्रुप डी की आप तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। अगर आपको पसंद आई हो पूरी कट ऑफ, अगर आपको अच्छी लगी हो, सटीक बात करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट बात करिए कि जो कट ऑफ जाएगी रियल में, आप लोग देख लेना बाद में। आप लोग प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड हूं और जो बंदे और पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे वो सारे के सारे सिलेक्टेड है एसएससी में, वो भी, ठीक है ना। इससे टफ एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पॉजिटिव रहना और कंटिन्यू रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है, शौक पूरे करने हैं तो एक जॉब लेनी पड़ेगी। अभी जॉब का चल रहा है त्योहार, अभी एनटीपीसी खत्म होगा, ग्रुप डी आएगा, फिर आपका सीजीएसएल आएगा, सीजीएल आएगा, फिर सीबीटी 2 आएगा, यानी कि बहुत एग्जाम है, 5-6 महीने आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुरा।